दोस्तों स्वागत है आपका डे टू के साथ में। डे वन इसे इसलिए हम लोग नहीं कह रहे हैं क्योंकि पहले दिन में गॉस थ्योरम थी जो हम आपको करा चुके थे। डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं डे टू। और मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पेपर के अंदर। ये 7.5 नंबर में आता है प्रूव करने के लिए। और क्या प्रूवमेंट आएगा मेरे भाई? प्रूवमेंट आएगा डी वेक्टर बराबर ई वेक्टर एफ साइलेंट जीरो प्लस का पी वेक्टर। तो अब देखो खाली प्रूवमेंट अगर हम करा देंगे, मतलब चित्रों में नहीं पढ़ना कि कहीं से कुछ भी पढ़ लिया मेरे भाई, तो खाली अगर हम लोग प्रूवमेंट कर लेंगे मेरे भाई तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा डी क्या है, ई क्या है, पी क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग इनके बारे में जानेंगे ये क्या क्या चीजें हैं और उसके बाद फिर हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखिए भाई, सबसे पहले हमने यहां पे लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। आराम से समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब हम लोग छोटे क्लास में हुआ करते थे, छोटे क्लास का मतलब जब हम लोग 11वें क्लास में थे, 12वें में थे, तो हमने पढ़ रखा था E बराबर F अपॉन Q। सुना है जिंदगी में? नहीं सुना तो आज सुन लो। Q माने होता है चार्ज यानी आवेश। Q माने चार्ज यानी आवेश। और मेरे भाई चार्ज यानी आवेश के ऊपर लगने वाला जो बल होता है, जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाइड होता है, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये भैया क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो एक सदिश राशि होती है। सदिश का मतलब वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक भाई, तो हमने क्या लिखा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट का मतलब एकांक। हमेशा याद रखना भैया, अगर E बराबर F अपॉन Q है तो नीचे वाले को एक बना दो यानी यूनिट बना दो, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा चार्ज Q के कारण क्या होगा? एक्सपीरियंस किए जाने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, यानी बहुत सरल भाषा में कहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी चार्ज रखा हुआ है, कोई भी आवेश रखा हुआ, तो उसके ऊपर जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसे हम लोग कहेंगे मेरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। ठीक, इसका फार्मूला क्या होगा भैया? ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 q/r². और जब वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं तो साथ में यूनिट वेक्टर लगाते हैं। हालांकि यूनिट वेक्टर का मतलब वन है, वो आप लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उस यूनिट वेक्टर को साथ में लिखते हैं। कब? जब हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, तो ये हम आपको बता क्यों रहे हैं? पेपर में ये नहीं आएगा, पेपर में आएगा रिलेशन, लेकिन हम आपको बता क्यों रहे हैं ताकि आप समझ पाओ हम काहे के बीच में रिलेशन निकाल लें। तो पहला वेक्टर अपना क्या है बताओ? पहला वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। ठीक भाई, चलो दूसरा वेक्टर क्या है? देखो दूसरा वेक्टर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर क्या होता है? फ्लक्स का मतलब हमेशा होता है कि भैया मान ले रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई काल्पनिक पृष्ठ है, उस पृष्ठ के अंदर से, उस सरफेस के अंदर से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइनें जाएंगी, जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस जाएंगी, उनका उस एक तरीके का काल्पनिक पृष्ठ है, हमें दिखाई नहीं देगा भाई, लेकिन उस पृष्ठ के अंदर से जितनी लाइनें जाएंगी उन्हें हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर को डी वेक्टर से लिखते हैं। डी वेक्टर बराबर होता है क्यू अपॉन 4πr² 4πr² का मतलब क्या है? 4πr² मतलब एरिया। तो उस एरिया के अंदर से जितना मेरे भाई चार्ज जाएगा, जितनी लाइंस जाएंगी, उन्हें ही हम लोग कहेंगे डी वेक्टर। ठीक है भाई, तो यूनिट एरिया से पास होने वाली लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कहते हैं, साथ में यूनिट वेक्टर चल रहा है। तो पहला कौन सा हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई वेक्टर। दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी यानी डी वेक्टर। और तीसरा वेक्टर है पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है, पोलराइजेशन वेक्टर को पी वेक्टर से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन में चार्ज का डिस्प्लेसमेंट, यानी जब भी कभी डिस्प्लेसमेंट समझते हो एक जगह से दूसरी जगह हटाना, तो जब चार्ज अपनी जगह से हटेगा तो उसे कहेंगे भैया चार्ज का पोलर हो जाना, या फिर इस वेक्टर को कहेंगे, जिसे पोलराइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, और इस वेक्टर को लिखेंगे पी वेक्टर से। तो भैया कितने वेक्टर हैं? तीन वेक्टर हैं, ई वेक्टर है, डी वेक्टर है और पी वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह लो और पोलराइजेशन वेक्टर कह लो। तो इन तीनों के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, जो कि बहुत आसान है। उसके लिए हमने क्या करा भाई? उसके लिए हमने इस तरीके का एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लिया है। क्या होता है भैया? समांतर प्लेट संधारित्र आपने 12वें क्लास में पढ़ रखा है। ठीक, जब कभी इस वाली दो प्लेटें हैं P और Q, P वाली प्लेट को भैया प्लस आवेश हमने दिया, जिससे Q वाली प्लेट में कौन सा आवेश आ जाएगा? माइनस आवेश आ जाएगा। पहले क्या होगा? पहले ये बीच में कोई पट्टी अट्टी नहीं रखी होगी, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। फिर हम लोग क्या करेंगे भैया? बीच में एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख देंगे। जब ये पट्टी रख देंगे तो भैया यहाँ पर इस वाली प्लेट पे प्लस है, तो इसके पड़ोस वाली पे माइनस चार्ज भैया जो है जनरेट हो जाएगा, अपने आप इंड्यूस हो जाएगा। तो वो कितना होगा? तो उसे कहेंगे माइनस का क्यू पी। ठीक है, इसे कहा लिख रहे हैं माइनस के क्यू पी से लिख रहे हैं,
क्योंकि भैया ये पोलराइजेशन हो रहा है, ध्रुवण हो रहा है। कब क्यों हो रहा है, इस प्लेट का ध्रुवण क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पड़ोस में प्लस चार्ज था तो यहाँ पे क्या आ गया अपने आप माइनस आ गया, इधर माइनस चार्ज था तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस आ गया। तो यहाँ पे हमने मान लिया जो माइनस चार्ज आया है वो कितना है, माइनस का क्यू पी है, और इस पर कितना आया प्लस का क्यू पी है। मैंने बैठी पी फॉर पोलराइजेशन हो गया है, इस वजह से इतना चार्ज आया हुआ। तो हमने लिखा माना पी क्यू एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसकी प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस एल है, एरिया जो है वो एस है, माना प्लेट पी को प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है, इसके पास वाली प्लेट पर कितना माइनस का क्यू पी चार्ज, वो पास वाली जो प्लेट रखी हुई है इस पे माइनस का क्यू पी आ जाता है, ऐसे जो क्यू वाली प्लेट है उसके पड़ोस में प्लस का क्यू पी चार्ज जनरेट हो जाता है। ये सब लिख दिया, उसके बाद क्या करेंगे, बिल्कुल आसान है भैया, देखो यहाँ पे अब ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत आसान है। सबसे पहले हमने समांतर प्लेट संधारित्र लिया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, और जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग लेंगे तब क्या होगा, सबसे पहले तो कोई पट्टी नहीं रखी हुई है, कुछ भी नहीं रखी हुई है, तो सबसे पहली कंडीशन में मेरे भाई जब पट्टी नहीं है तो फार्मूला होता है ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, ये कब की तीव्रता कहलाएगी, जब पट्टी वगैरह नहीं रखी हुई है, तो यह है ई जीरो बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, आराम से प्रूव कर सकते हो। ई बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर स्क्वायर, क्यू अपान ए जो होता है वो सिग्मा बन जाता है, तो यह फार्मूला होता है ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। ठीक, जब पट्टी नहीं है तो फार्मूला क्या होगा, ई जीरो बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, जब पट्टी रख देंगे तो क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा, तो ई पी बराबर सिग्मा पी अपान एप्सिलॉन जीरो। तो दो इंटेंसिटी हो जाएंगी, एक पट्टी ना होने पर, एक पट्टी होने पर, ये भैया दो इंटेंसिटी हो गई, पट्टी ना होने पर ई जीरो बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, पट्टी होने पर ई पी बराबर सिग्मा पी अपान एप्सिलॉन जीरो, एक में से दूसरे को घटा देंगे। उससे पहले सिग्मा क्या है, फ्री चार्ज डेंसिटी है, फ्री चार्ज डेंसिटी का मतलब इस समय कोई मतलब कहीं से कोई मतलब नहीं है, बीच में कोई पट्टी नहीं है, कोई परावर्तित पदार्थ नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। लेकिन सिग्मा पी क्या है, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा पी इंड्यूस्ड कैसे हुआ, कि भैया जब पट्टी रखी तो पड़ोस में पहले से आवेश था, कितनी खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदला, यानी पड़ोस में पहले से आवेश था तो पट्टी के ऊपर भी आवेश इंड्यूस हो गया, जनरेट हो गया, ठीक है, उत्पन्न हो गया, प्रेरित हो गया, इसलिए इसे सिग्मा पी को क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो टोटल अपने पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, एक में से दूसरे को मेरे भाई घटा देंगे, कैसे घटाएंगे, देखो एक में से दूसरे को घटा देंगे, कैसे घटाएंगे, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ई बराबर ई जीरो माइनस का ई पी हो जाएगा, एक में से दूसरे को घटा दिया। ई जीरो का मान कितना है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो है, ई पी का मान कितना है, सिग्मा पी अपान एप्सिलॉन जीरो है। ठीक भैया, एप्सिलॉन जीरो कॉमन लेके इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा ई एप्सिलॉन जीरो बराबर सिग्मा माइनस का सिग्मा पी, सिग्मा पी को भैया ले आए इधर तो सिग्मा बराबर आ गया ई एप्सिलॉन जीरो प्लस का पी। पी क्यों लिख दिया, क्योंकि भाई सिग्मा पी को ही हम लोग पी लिख सकते हैं, चाहे आप उसे पोलराइजेशन वेक्टर कहो या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी कहो, इंड्यूस्ड वाली दोनों एक ही बातें हैं, तो सिग्मा पी का मतलब पी यानी पोलराइजेशन वेक्टर है, तो सिग्मा पी की जगह पे हमने पी लिख दिया मेरे भाई। अब ये जो बना हुआ ई एप्सिलॉन जीरो प्लस पी, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर होता है, या फिर कह सकते हैं सिग्मा का जो मान है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर होता है। तो लिख दिया द क्वांटिटी ई एप्सिलॉन जीरो प्लस पी इज डिनोटेड बाई डी वेक्टर, इसे डी वेक्टर से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो सिग्मा है मेरे भाई वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। सिग्मा है क्या, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए, क्यू अपान ए का मतलब क्या होता है कि एरिया में से कितना भैया कितना चार्ज जा रहा है, वही तो मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को सिग्मा को क्यू मतलब D के बराबर लिख सकते हैं, तो सिग्मा को हमने D के बराबर लिख दिया, तो वेक्टर फॉर्म में क्या जाएगा, D वेक्टर बराबर E वेक्टर एप्सिलॉन जीरो प्लस का P वेक्टर। ठीक है, जहां पर D वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है भाई, तो ये रिलेशन है, आज अपना डे वन है एक तरीके से, लेकिन डे टू इसे हम लग कह रहे हैं क्योंकि हम लोग गॉस थ्योरम प्रूव कर चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, अगर आप चैनल पे देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, अगर आप कोर्स में देख रहे हो तो आपको बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर मिलने वाली हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा ये 24 वीडियोस तो आपको मिल ही जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर पढ़ रही हैं तो यहाँ पर भी ये ऐड कर दी जाएंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर कराएंगे, सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी, आने वाले 25 दिनों के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्टेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, कल अगर आप चैनल पर देख रहे हैं तो 11 बजे, बाकी एप्लीकेशन पर भी ये वीडियो ऐड होती रहेंगी, यहीं पर PDF नोट्स है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फायदा होता है कोर्स का, बाकी आप टेलीग्राम पर जाके BDK BSc भी सर्च कर सकते हो। थैंक यू भाई, धन्यवाद।